परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है और सुनने में आया है कि उसमें ग्वालियर के पर्टिकुलर एक ही कॉलेज में से 1000 विद्यार्थियों का चयन हुआ और टॉप 10 में 7 विद्यार्थी उस कॉलेज के रहे। मेरे 21 वर्षों के कोचिंग करियर के अंदर 2002 से मैं उत्कर्ष संस्थान चला रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारे अन्य स्टेट के भी रिजल्ट देखे हैं, परिणामों को बहुत गहराई से मैंने अध्ययन किया है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी एक परीक्षा केंद्र से, कोचिंग सेंटर से टॉप 10 में 4-5 हमारे भी आते हैं, वर्ष भर विद्यार्थी तैयारी करता है, अपना रिजल्ट जो है देने के लिए मेहनत करता है और इसीलिए वो अच्छे कोचिंग सेंटर का चयन भी करता है, लेकिन एक परीक्षा केंद्र में से जहाँ पे केवल एग्जाम देने के लिए जा रहा है वहाँ पर किसी एक भर्ती परीक्षा के टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी आ जाए, क्या ये संभव है? और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम चला है कि कुल पद है 9000 और 9000 में से 1000 पद केवल उस एक ही कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा भर दिए गए, मतलब 1000 सिलेक्शन उस एक कॉलेज से हो गए। ये बात तो हजम नहीं होती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, तुरंत इस मामले को संज्ञान में लें, त्वरित कार्यवाही करके एक मिसाल कायम करें और पर्टिकुलर ग्वालियर का ये कॉलेज है जो NRI कॉलेज जहां से ये बात सामने आ रही है, निश्चित रूप से वहां की परीक्षा को तो रद्द करके उन विद्यार्थियों का पुनः परीक्षा जो है किसी और सेंटर पर जरूर करवाना चाहिए। मामला क्या है, क्योंकि अभी तुरंत मुझे पता चला, मैंने खूब सारे वीडियोस देखे हैं अलग अलग टीचर्स के, तो उसके बाद मुझे पता चला, लेकिन अगर ये मामला है वास्तव में कि किसी एक कॉलेज से 1000 विद्यार्थी चयनित हो गए, किसी एक कॉलेज से टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी चयनित हो गए, तो मैंने तो ये 21 सालों में कभी नहीं देखा। अगर ये वास्तव में अगर सही है, ईमानदारी से हुआ है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और ऐसा चमत्कार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं सारे विद्यार्थियों से, शिक्षकों से, कोचिंग सेंटर के मालिकों से, हॉस्टल के मालिकों से, लाइब्रेरीज के मालिकों से, जितने भी पुस्तक विक्रेता है उनसे, मैस चलाने वालों से, कुल मिला के जितने भी विद्यार्थियों से कनेक्टेड हैं, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वे सभी इस प्रकार की पोस्ट डालें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को टैग करें, उनको कहें कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करें, त्वरित कार्रवाई करें। और विभिन्न विद्यार्थियों ने, कई सारे शिक्षकों ने 13 जुलाई को 12 बजे कलेक्ट्रेट के अंदर जो विज्ञापन देने का एक तय किया है, आप सभी उसमें भाग जरूर लें। इंदौर में DD पार्क से सब जाने वाले हैं कलेक्ट्रेट। लोकतंत्र में देखिए संख्या बल का बड़ा महत्व होता है। हमारी इधर मारवाड़ी में कहते हैं कि बिना रोया तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, इसलिए आपको अपनी तकलीफ है, आप पीड़ित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं, ये विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा जाके, नहीं तो आने वाली कई सारी भर्तियों में भी इसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अपनी बात को पुरजोर तरीके से जाइए कलेक्ट्रेट के सामने और बिल्कुल अहिंसक तरीके से, ध्यान रखिए कि सरकारी संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना आंदोलन करते समय, नहीं तो आप खुद निगेटिव में चले जाएंगे। आप अपनी मांगों को ले जाइए, अपनी तख्तियां साथ में ले जाइए, ज्ञापन दीजिए, काली पट्टी बांध दीजिए, कलेक्ट्रेट में जाइए, उनको जाके ज्ञापन दीजिए, पूरी डिटेल जो है उसके अंदर आप लिखिए, समझाइए, सोशल मीडिया पे एक विशेष आंदोलन चलाइए, ट्विटर पे कैंपेन चलाइए, लोकतंत्र के अंदर ये सभी माध्यम जो है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए है और ये सकारात्मक दबाव है और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं, विद्यार्थियों युवाओं के हित की बात है। तो मैं मध्य प्रदेश में सभी से कहना चाहूंगा कि बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आप इस आंदोलन में विद्यार्थियों का साथ दें, आप इस दबाव बनाने में विद्यार्थियों का साथ दें। जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि 9000 में से 1000 पद, 1000 भर्ती किसी एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से हो जाए, ये तो असंभव सा काम है। टॉप 10 में से 7 विद्यार्थी किसी एक ही परीक्षा केंद्र में से बन जाए, ये असंभव सा काम है। और अभी अगर इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई तो न जाने आगे कितने सारे विद्यार्थी जो है वो परेशान हो जाएंगे, कितने सारे विद्यार्थी जो है उनके हितों की कुर्बानी इसके अंदर लग जाएगी। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से और उनके हित चिंतकों से, शुभ चिंतकों से, उनके मित्रों से निवेदन है कि ये 13 जुलाई को आप सभी जाकर ज्ञापन कलेक्ट्रेट में जरूर जरूर दें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं फिर से एक बार विनम्र निवेदन करता हूं सभी विद्यार्थियों की तरफ से कि आप प्लीज इस मामले को संज्ञान में लीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए, एक मिसाल कायम कीजिए, क्योंकि युवाओं के हित से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।